हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़रा हटके स्नेहा। दोस्तों, मैं होली में बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छा डेजर्ट लेकर आई हूँ, जिसे आप बहुत कम समय में और आसान तरीके से बना सकते हैं, जो खाने में बेहद टेस्टी होता है और इसे आप व्रत में भी बना सकते हैं। तो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं, तो शुरू करते हैं। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हमने 1 लीटर दूध लिया है, जिसे मैंने पहले से ही थोड़ा सा बॉयल करके रखा हुआ था। और यहाँ पर मैंने साबूदाना लिया हुआ है। साबूदाना हमारे कई प्रकार के होते हैं, तीन तीन प्रकार के होते हैं। जहाँ मैंने सबसे छोटा वाला साबूदाना लिया हुआ है, चीनी लिए 4 से 5 बड़े चम्मच लिया हुआ है, और कुछ मैंने फ्रूट्स लिए हैं। फ्रूट्स आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर अनार, पपाया, ग्रेप्स और बनाना लिए हुए हैं। यहाँ पर हम फ्रूट कस्टर्ड ले रहे हैं, जो कि वनीला फ्लेवर का होता है। ये एगलेस होता है। इसे आप अगर व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसे मत डालें, अगर आप होली के लिए बना रहे हैं तो इसे डालें। ये बहुत ही कम रुपए में आता है, 37 से 40 रुपए के बीच में आ जाता है। तो देखते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि हम दूध को बॉयल करने के लिए रख देते हैं। दूध जब हमारा अच्छे से बॉयल हो जाए, देखिए मैंने रखा हुआ, बीच बीच में हम इसको चलाते जा रहे हैं कलछी से, इसलिए जब तक हमारा ये अच्छे से बॉयल हो जाए, इसके बाद हम इसमें वनीला का जो कस्टर्ड पाउडर है वो डालेंगे। देखिए दोस्तों, दूध हमारा बॉयल हो गया है बहुत अच्छी तरह से। अब हम कस्टर्ड पाउडर लेंगे। यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर लिया है, जिसे पानी में मैंने पहले से घोल के रखा हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सूखा कस्टर्ड पाउडर हमें नहीं डालना है, नहीं तो हमारे जो दूध है उसमें लम्स पड़ जाएंगे, जो कि अच्छा नहीं लगेगा। और इसे अब करीब 5 मिनट हम अच्छे से इसको बॉयल होने देंगे। हमारा अच्छे से बॉयल हो गया है, कंसिस्टेंसी भी थोड़ी सी ठीक हो गई। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हमारा दूसरा स्टेप है कि एक हमने फ्राई पैन रखा हुआ है, उसमें पानी डाल के इसमें हम साबूदाना पकाएंगे। साबूदाना को पहले से ही मैंने भिगो के धो के रखा हुआ था। अब ये साबूदाना हम इसमें पकाएंगे, इसे ट्रांसपेरेंट होने तक अच्छे से इसको पकाएंगे। इसे पकाने में हमारे 5 से 7 मिनट हमारे लग जाते हैं आराम से। देखिए दोस्तों, हमारा साबूदाना ऑलमोस्ट पक गया है। अब गैस का फ्लेम ऑफ करके हम ये जो साबूदाना है इसे हम छान लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक छन्नी ली हुई है, इसमें थोड़ा सा हम ठंडा पानी मिलाकर इसमें जो साबूदाना है इसे छान लेंगे, ताकि जो साबूदाना का एक्स्ट्रा जो हमारा स्टार्च है वो निकल जाएगा और जो दाने हैं इसके ये बिल्कुल अलग अलग होकर खिल जाएंगे। ये देखिए, मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से छान लिया है। अब हमारा दूध ठंडा हो गया है। अब ठंडा होने पर हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे, साबूदाना जो कि हमने पहले ही इसको पका के रखा हुआ था। अब हम यहाँ पर सारे फ्रूट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर जो मैंने फ्रूट्स लिए हैं ये मेरे फेवरेट हैं। दोस्तों, आप अपने फेवरेट फ्रूट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और इसमें आप
जो आपको नहीं पसंद है वो नहीं ऐड करें। जैसे ही हमारा ये कस्टर्ड अच्छे से हम मिक्स करके तैयार कर लेते हैं, इसे हम फ्रिज में रखेंगे और फ्रिज में रखकर इसे एक घंटे कम से कम फ्रिज में रखिएगा, इसके बाद ही गेस्ट को सर्व कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, हमारा साबूदाना मिक्स्ड फ्रूट कस्टर्ड बनके तैयार हो गया है। ये होली के लिए सबसे अच्छी डिश है, बहुत कम समय में बन जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है सो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्ट।